सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी थ्योरी के 22nd वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रॉपर्टी थ्योरी पर 21 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रॉपर्टी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो प्रीवियस क्लास में ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ध्यान देना, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तब यह प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल रहे तब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यानी दो रैंडम वेरिएबल का प्रोडक्ट का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो दोनों का एक्सपेक्टेशन निकाल करके उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। अब इसका प्रूफ जो करेंगे वो दोनों केस में करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी। तो डिस्क्रीट के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेट एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स विथ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस। ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, एक्स वाई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एक्स रैंडम वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स, जो कैपिटल एक्स यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ये एक्स रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाई रैंडम वेरिएबल का। तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया और ये x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब चूंकि x और y जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का डिफिनेशन है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ये पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो होता है वो दोनों के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तब होता है जब x और y दोनों इंडिपेंडेंट हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ जो करना है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, इसको एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो डेफिनेशन से, एक्सपेक्टेशन के डेफिनेशन से क्या होगा, डबल सिग्मा होगा एक्स आई इंटू वाई जे। एक्स इंटू वाई का निकालना है तो यहाँ एक्स आई वाई जे होगा और इसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी दो रैंडम वेरिएबल का, अगर कोई भी दो रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है ज्वाइंट या टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है ये, और उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डबल सिग्मा लगाते हैं और यहाँ पर फाई ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जी, एक्स आई और वाई जे का जो फंक्शन होगा उसमें उसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। और यहाँ पर आई का जो भी वैल्यू हो, वन से लेकर के अगर एन तक है तो वन से एन तक, और जे का वैल्यू वन से एम तक है तो वन से एम तक। मतलब ये क्या बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक है और रैंडम वेरिएबल वाई का जो वैल्यू है वो वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एम तक है, ये बता रहा है। तो किसी भी फंक्शन का, दो रैंडम वेरिएबल के फंक्शन का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इसी तरीके से निकालते, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू वाई का निकालना है तो एक्स आई इंटू वाई जे में इसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल सिग्मा लगाएंगे, एक में जे वैरी करेगा वन से एन तक और एक में आई वैरी करेगा वन से एम तक। यानी कि आई मीन्स हो गया तुम्हारा ये एक्स आई, आई एक्स का जो सफिक्स है तो एक्स का कितना वैल्यू है वन से लेकर के एन तक, और जे जो है वो वाई का सफिक्स है तो जे का वैल्यू वन से लेकर के एम तक है तो जे वन से एन तक वैरी करेगा। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है वो इसके बराबर होता है, पहले अभी हम लोग देख चुके हैं कि एफ ऑफ
एक्स आई कॉमा वाई जे को क्या लिख सकते हैं, ये ज्वाइंट प्रायोरिटी मास फंक्शन है, एक्स का मार्जिनल प्रायोरिटी और वाई के मार्जिनल प्रायोरिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आई वाला को सेपरेट कर सकते हैं और जे वाला को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई को एक साथ कर दो और इसमें सिग्मा अलग लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पर जे नहीं है, तो जे नहीं है तो ये सिग्मा जो है वो आई वाला का एक साथ कर सकते हैं और जिसमें जे है उसका सिग्मा को अलग कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि आई और जे एक साथ नहीं है, इसमें सिर्फ आई है ये दोनों में और ये दोनों में सिर्फ जे है, तो आई वाला को एक साथ कर दिए और जे वाला को एक साथ कर दिए। अब इस समेशन को क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन हो गया, किसका एक्सपेक्टेशन हो गया, एक्स का, एक्स का एक्सपेक्टेशन इसी तरीके से डिफाइंड है कि एक्स का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो एक्स आई में उसके मार्जिनल प्रायोरिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो वो एक्स का एक्सपेक्टेशन बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, वाई का एक्सपेक्टेशन। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर जिस तरीके से डिस्क्रीट के लिए प्रूफ किए हैं उसी तरीके से कंटिन्यूस के लिए तुम लोग खुद प्रूफ कर सकते हो, ये हम कर नहीं रहे हैं। लिखना क्या पड़ेगा कंटिन्यूस केस में कि लेट एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स विथ ज्वाइंट प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना पड़ेगा, पीडीएफ लिखना पड़ेगा, एंड मार्जिनल प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पीएमएफ के जगह पीडीएफ हो जाएगा, डिस्क्रीट के जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, यहाँ पर तो ये सेम चीज़ रह जाएगा, और ये जो यहाँ पर डबल सिग्मा दिए हुए हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ होगा एक्स इंटू वाई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और इसको डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो समेशन है उसके जगह डबल इंटीग्रल होगा, और फिर यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू वाई, और ये चूँकि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मार्जिनल प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन इंटू वाई का मार्जिनल प्रायोरिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। अब क्या करेंगे, एक्स और एफ एक्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ये एक्स का फंक्शन है, और ये जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एक्स का वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है और वाई के वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, तो डबल इंटीग्रल को ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ये डबल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल क्या बताएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और ये क्या बताएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो कंटिन्यूस वाला केस में तुम लोग खुद कर लेना, थोड़ा सा सिर्फ ये चेंज होगा, और यहाँ पर प्रायोरिटी मास फंक्शन की जगह प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये खुद कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ़ एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल एंड ए इज ए कांस्टेंट, स्मॉल ए जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इनटू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स का कोई भी फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का, तो ए इंटू फाई एक्स का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन फाई ऑफ एक्स का होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस ए का अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, यहाँ पर फाई एक्स में एक्सपेक्टेशन लगेगा और ए यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि ए कांस्टेंट में एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा, सिर्फ किस में लगेगा, फाई एक्स में लगेगा। तो इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, तुम लोग खुद प्रूफ कर सकते हो दोनों केस के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी और कंटिन्यूस के लिए भी। तो देखो हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंड वाला का हिंट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला तो आसानी से कर सकते हो, पहले एक प्रॉपर्टीज बता चुके हैं जिसमें सिर्फ यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स था, यहाँ पर फाई ऑफ एक्स है, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। सेकेंड के लिए ज़रा देखोगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर ये फाई ऑफ एक्स प्लस ए का अगर निकालना है तो क्या इसका डेफिनेशन, अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, किसको इंटीग्रेट करेंगे, फाई ऑफ एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन से, तो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स है, या प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस लिए हुए इंटीग्रेशन है, मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट में लेना है तो सिग्मा लेना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर ये ऐसा करो कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका भी इंटीग्रल करते हैं,
एफ ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ स्मॉल एक्स होता है और यहाँ कैपिटल एक्स होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है, किसका बता रहा है एक्सपेक्टेशन, फाई ऑफ एक्स का। और यहाँ पर जरा ध्यान दोगे तो ये जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है, तो ये हो जाएगा वन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस ए हो गया, तो ये सेकेंड का इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट के लिए करना है तो डिस्क्रीट में इंटीग्रेशन की जगह क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, तो ये तुम लोग खुद प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज है कि इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ पर रेंडम वेरिएबल है, तो रेंडम वेरिएबल जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे तो उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, छोटा सा प्रूफ है जरा समझोगे, कि इफ़ एक्स इज ए कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस के लिए लेकर के चल रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए भी सेम तरीके से कर सकते हो, तो हम सिर्फ कंटिन्यूस के लिए काम कर रहे हैं कि एक्स मान लो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे केस में अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से और इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक अलग इंटीग्रेट करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक अलग इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान देना कि यहाँ जो रेंडम वेरिएबल है, रेंडम वेरिएबल तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो वैसे केस में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। अगर x नेगेटिव नहीं है, मान लो अगर x हम लोग लेते हैं लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव के केस में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, क्योंकि x रेंडम वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव है तो उसी समय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू होगा, और इस केस में जब x है ही नहीं यानी कि जीरो से छोटा में x का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उस समय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में, माइनस इन्फिनिटी जो है वो जीरो, इसके बीच में एक्स का वैल्यू है ही नहीं, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस बीच में नहीं है इस समय, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो एक्स इंटू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जीरो हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने दो, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स यहाँ लिखते हैं डी एक्स। अब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तब तो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसके साथ ऐड कर देंगे तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ज्यों का त्यों रहने दो। अब जरा ध्यान देना, एक्स क्या नेगेटिव है क्या, एक्स का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ही, और प्रॉपर्टीज पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया, और ये भी नॉन नेगेटिव हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जो है वो भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल भी हम लोग को जीरो से इन्फिनिटी तक करना है, मतलब पॉजिटिव में ही करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, या फिर क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। मान लो एक्स का वैल्यू जीरो हो या फंक्शन का वैल्यू जीरो हो तो उस समय इसका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, या अगर ये दोनों पॉजिटिव है और इंटीग्रेट भी करना है जीरो से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में करना है, तो इसीलिए इंटीग्रल का भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है ऐसे केस में, एक्सपेक्टेशन जो निकाले हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर रेंडम वेरिएबल पॉजिटिव रहे, सॉरी नॉन नेगेटिव रहे, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, तो वैसे केस में एक्सपेक्टेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो अभी रिजल्ट प्रूफ किए हैं उसी से ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रेंडम वेरिएबल सच दैट वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, दो रेंडम वेरिएबल ऐसा है कि y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x, तो प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x।
प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस एग्जिस्ट, एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी समय सभी जो है समय में एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर जाए, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हो सकता है इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाए, या फिर वो इंटीग्रल जो है वो इवेल्युएट नहीं हो, तो वैसे केस में एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो रिजल्ट प्रूफ करना है, इसमें कंडीशन है कि प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट। तो चलो देखो कैसे प्रूफ करते हैं, जा समझोगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि y लेस देन इक्वल टू x इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x तो ग्रेटर देन और इक्वल टू y है। y को तुम इधर ले आओ तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रेंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उसका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और ये भी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो यही प्रूफ करना था, तो एक सिंपल सा प्रूफ है, तो इस रिजल्ट को भी याद रखोगे। अभी तक हम लोग एक्सपेक्टेशन का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े थे, एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि लेट एक्स बी ए रेंडम वेरिएबल विथ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी रेंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स का जो रेंडम वेरिएबल है इसका तीन वैल्यू है, माइनस थ्री सिक्स और नाइन, ये रेंडम वेरिएबल का वैल्यू हो गया। और उसके करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है कि माइनस थ्री के करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/6, सिक्स के करिस्पॉन्डिंग है इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, और नाइन के करिस्पॉन्डिंग है 1/3। तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन एक्स का निकालना है, फिर एक्स स्क्वायर का निकालना है, एंड यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन इवेल्युएट दिस। इसको भी इवेल्युएट करना है, लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन का यूज करते हुए। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, x का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x का तीन वैल्यू है, तो तीन वैल्यू है मतलब नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स आई इंटू पी आई, और इसमें सिग्मा लगाएंगे, i इक्वल टू 1 टू n, मतलब सारे रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए सम कर देंगे। अब यहाँ पर x1, x2, x3 वगैरह नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। x का ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को fx से भी डिनोट करते हैं, fx से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल X भी लिख देते हैं। तो ये पी ऑफ एक्स क्या बता रहा है, स्मॉल पी ऑफ एक्स जो है वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, रेंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स हो उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है। और यहाँ पर सिग्मा जो है वो रन किस पर करेगा, एक्स पर, यानी एक्स का जो जो वैल्यू होगा वो सारा यहाँ पर पुट करेंगे और उसका हम लोग सम कर देंगे। और अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के बदले एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर उसके प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लाई करना और समेशन रन करेगा एक्स पर। तो एक टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू लिखते हैं, उसके स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत है उसके स्क्वायर का भी, तो उसका स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, रेंडम वेरिएबल का स्क्वायर, फिर उसका प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, फिर x इंटू पी एक्स का भी जरूरत है तो x इंटू पी एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हो x इंटू पी एक्स का जरूरत है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का भी जरूरत है तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं। तो ये एक टेबल बना लेते हैं, तो x का और पी ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया हुआ है, x का वैल्यू माइनस थ्री सिक्स और नाइन दिया हुआ है ये, और प्रोबेबिलिटी इसका जो है वो 1/6 दिया हुआ है, 1/2 और 1/3 ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पर 9 और इसका स्क्वायर करने पर 36, इसका स्क्वायर करने पर 81। x को पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो x और ये पी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस 1/2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, और ये तीनों को ऐड कर देते हैं, सिग्मा x इंटू पी एक्स भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना होगा, यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 3 + 3 = 6, 6 में माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 11/2। एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इस कॉलम में हम लोग को एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2,
और 36 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 81 को 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देना है तो 8 प्लस 7 15 और 2 प्लस 2 4 45 हो गया। 45 में फिर 3 बाय 2 ऐड करना है तो 93 डिवाइडेड बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो 93 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, देखो जरा ध्यान देना, हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देयर फोर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो इसका डेफिनेशन है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स और यहाँ रन करेगा एक्स और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग टेबल में निकाले हुए हैं। तो सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स जितना भी एक्स था उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग सम कर चुके हैं, ये 11 बाई 2 है तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया एक्स का। और अगर एक्स स्क्वायर का निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और एक्स पर रन करेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया ये। और इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं तो इसका वैल्यू निकाल कर रखे हुए 93 डिवाइडेड बाई 2 तो ये दोनों निकल गया। अब एक और निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन के से निकालना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन से निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले एक काम करो इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन सिर्फ रेंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 को बाहर कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो हम लोग लगाएंगे सिर्फ रेंडम वेरिएबल में और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 1 का। तो जरा समझो 4 और इसका एक्सपेक्टेशन निकाल के रखे हुए हैं, इसका एक्सपेक्टेशन कितना है 93 डिवाइडेड बाई 2 और ये 4 भी रहने देते हैं, इसका भी निकाल के रखे हुए हैं 11 बाई 2 है, 11 डिवाइडेड बाई 2 और 1 का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है तो 1 का एक्सपेक्टेशन जो है वो 1 ही हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट है, अगर 5 है तो 5 ही रह जाएगा यहाँ पर, तो जो भी कांस्टेंट है उसका एक्सपेक्टेशन वही रहता है। और यहाँ पर हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 372 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा 44 और यहाँ पर 2, इसका कैलकुलेशन तुम लोग करके देख लो, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि टू अनबाइज्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन देम। दो पासे को जब फेंकते हैं तो जो दोनों पासे में पॉइंट आता है उसका जो नंबर होगा उसका डिफरेंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, दोनों पासे में जो भी नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट एक्स बी द रेंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द पेयर ऑफ डाइस। जब दो पासे को फेंक रहे हैं तो जो दोनों में नंबर आ रहा है उसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। एक्स रेंडम वेरिएबल हो गया। अब क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है उसके डिफरेंस को, तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। मान लो किसी पासे में 1 आ गया और दूसरे में 6 आ गया तो क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस 5 होगा। हो सकता है दोनों में 6 और 6 आ जाए तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। हो सकता है 2 और 4 आ जाए तो डिफरेंस क्या आएगा, 2। तो जो डिफरेंस है दोनों पासे का जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस को ही x से डिनोट कर रहे हैं। तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू 0 हो सकता है, दोनों में सेम नंबर आ जाए तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 हो सकता है, जैसे मान लो 2 और 3 आ गया तो डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो 2 आ रहा है। x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, मान लो एक में 3 आ गया एक में 6 आ गया तो डिफरेंस 3 आ रहा है। x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, जैसे सपोज करो x यहाँ पर जो दो पासे में नंबर आ रहा है मान लो 2 आ गया और 6 आ गया तो डिफरेंस 4 आ गया। 5 भी हो सकता है, जैसे सामने देख रहे हो कि 1 6 आ रहा है तो 5। क्या 6 डिफरेंस हो सकता है, क्या 6 डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 6 आने के लिए अगर एक में 6 आता है तो दूसरे में 0 आना पड़ेगा तब हो सकता है, तो 0 तो किसी पासे में है नहीं यानी डिफरेंस 6 नहीं होगा। या एक में 7 हो जाए और दूसरे में 1 हो जाए तब डिफरेंस 6,
लेकिन सेवन पासे में होता नहीं है, तो इसीलिए डिफरेंस सिक्स तक नहीं जाएगा और फाइव तक ही जाएगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। जब डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेट जो भी लार्जर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेगेटिव डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो मिनिमम डिफरेंस जीरो होगा और मैक्सिमम क्या होगा, फाइव होगा। तो रेंडम वेरिएबल का जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक आ सकता है, तो देयर फोर एक्स कैन टेक द वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यही सब वैल्यू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्स का रेंडम वेरिएबल का वैल्यू है उस सभी के करिस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे एक्स इक्वल टू जीरो है उसका करिस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, तो नाउ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो कब आएगा, यानी कि जो दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस जीरो, तो डिफरेंस जीरो कब आएगा, देखो यहाँ पर कुछ हम लिखे हुए हैं, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, ये सब में डिफरेंस क्या जीरो आ रहा है, दोनों पासे में नंबर सेम अगर आ जाए तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। टू कॉमा टू हो सकता है, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा सिक्स, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो फेवरेबल केसेस कितना हुआ, सिक्स, और टोटल केसेस क्या है, जब दो पासे को फेंकते हैं तो टोटल केसेज हो सकता है 36, यानी कि 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिस समय रेंडम वेरिएबल का वैल्यू वन हो, वन रेंडम वेरिएबल का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस वन होना चाहिए। तो वन कब आएगा डिफरेंस, वन कॉमा टू, डिफरेंस वन आ रहा है, टू में वन को सब्ट्रैक्ट कर दो वन आ जाएगा, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, टू कॉमा वन भी हो सकता है, इसमें भी डिफरेंस वन आ रहा है, फिर टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा फोर, फोर कॉमा थ्री, फोर कॉमा फाइव, फाइव कॉमा फोर, फाइव कॉमा सिक्स, सिक्स कॉमा फाइव, ये सभी है, काउंट कर लो ये 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 36, फेवरेबल केस 10, टोटल केसेज 36, दिस इज इक्वल टू 5/18। नाउ वी शैल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि मीन्स डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। 2 कब होगा, जब 1, 3 हो, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, या 3, 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2, 4, 4, 2, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और इस तुम काउंट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 8, 8/36, यानी कि 2/9 हो गया ये। अब इसी तरीके से x इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यानी कि डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो 3 कब होगा, जब 1 और 4 आ जाए पासे में, तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 हो जाता है, या 4 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2, 5, 5, 2, 3, 6, 6, 3, बस इतना ही केस में 3 आएगा डिफरेंस। ये नंबर ऑफ केसेज है, फेवरेबल केसेज है 6 और टोटल केसेज 36, तो 1/6 आ रहा है। फिर हम लोग निकाल लेंगे x इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी, तो x इक्वल टू 4 मतलब डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो 1, 5 में डिफरेंस 4 आ जाएगा, दोनों पासे का डिफरेंस देखो ये 4 आ रहा है, या इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है, 5, 1 भी हो सकता है, या 2, 6 और 6, 2, तो इसका आएगा 4/36, 1/9 हो गया प्रोबेबिलिटी। अब x इक्वल टू 5, डिफरेंस 5 हो, 5 कब होगा, जब 1, 6 और 6, 1 हो, बस दो ही केसेज है, 2/36 यानी कि 1/18। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, तो रेंडम वेरिएबल एक्स का ही एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, इसका यही फॉर्मूला होता है, तो एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोबेबिलिटी से, और उसको जो भी एक्स का वैल्यू है सभी का सम कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा एक्स का वैल्यू है वन, और उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू पी ऑफ वन से, फिर है 2x का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ 2 से, और फिर x का वैल्यू 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ 3 से, फिर x का वैल्यू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ 4 से, फिर x का वैल्यू है 5 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको p ऑफ 5 से, बस इतना ही वैल्यू है। जीरो रहने देते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी, जीरो का जो प्रोबेबिलिटी है इसको 1/6 है, तो यहाँ पर 1/6 हो गया, 1 × p ऑफ 1, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल के रखे हुए हैं, पी ऑफ वन का प्रोबेबिलिटी 5/18 है, तो 5/18 हो गया, फिर 2 × इसका प्रोबेबिलिटी भी हम लोग को पता है, 2 का है 2/9, तो यहाँ पर 2/9 हो गया, प्लस 3 रहने देते हैं, और इसका भी प्रोबेबिलिटी पता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 है, और फिर 5 को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 है, और इसका तुम कैलकुलेशन करके खुद देख सकते हो, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्सपेक्टेशन निकाल लिए, ये एक्सपेक्टेशन क्या बता रहा है, दो नंबर के डिफरेंस का जो पासे में आ रहा है, यही सवाल को थोड़ा चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है कि दो पासे को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो दोनों पासे में जो नंबर आता है उसका सम का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो वैसे में केस में सम क्या आएगा,
सम का वैल्यू जो दो पासे में जो नंबर आ रहा है उसका सम आ सकता है 2 से लेकर के 12 तक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 12 तक आएगा। तो उसी तरीके से सारा का प्रायोरिटी निकाल लेना पड़ेगा, फिर प्रायोरिटी को उसके रेंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो उससे निकल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जैसे क्वाइन का भी दे सकता है, अगर मान लो 3 क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने दे सकता है। तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है, या तो 3 क्वाइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स आ सकता है 0, एक भी हेड नहीं आवे, या 1 आवे, या 2 आवे, या 3 आ सकता है, तो उसका भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने दे सकता है। तो सारा का 0, 1, 2, 3 का प्रायोरिटी निकाल लेंगे हम लोग और उसको प्रायोरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंडम वेरिएबल को ऐड कर देंगे। 2 क्वाइन का भी हो सकता है। तो इस तरीके से रिलेटेड और भी सवाल हो सकता है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेल्योर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विथ कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। मान लो अगर तुम किसी क्वाइन को टॉस करते हो तो क्वाइन को टॉस करने में अगर हेड आता है तो तुम सक्सेस हो जाते हो, अगर हेड अगर आ रहा है तो सक्सेस हो जाते हो। तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 है, एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी है। तुम जितना बार भी ट्राई करते हो सभी केस में 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड आने का। अगर फर्स्ट टाइम तुम ट्राई किया, फर्स्ट टाइम में अगर हेड आ गया तो फर्स्ट ही टाइम में तुम सक्सेस हो गया। हो सकता है फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया तो फिर तुम दूसरा बार ट्राई करोगे उसमें अगर हेड आ जाता है तब सक्सेस होते हो। अगर दूसरा बार भी नहीं आ गया हेड तो फिर क्या करोगे, तीसरा बार भी नहीं आता है तो चौथे बार। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज तक चलेगा, जब तक नहीं तुम सक्सेस कर जाते हो तब तक तुम ट्रायल करते रहोगे, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीड द फर्स्ट सक्सेस। फर्स्ट सक्सेस होने के पहले जितना बार भी फेल कर रहा है उसका जो नंबर है, मान लो तुम 10वां बार में सक्सेस हुआ तो इसका मतलब 9 बार फेल हो चुका है, यानी कि 9 बार तुम ट्राई किया, क्वाइन को टॉस किया और 9 बार में हेड नहीं आया और 10th टाइम्स में मतलब 10वें बार में हेड आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ फेलियर्स प्रीसीड द फर्स्ट सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस के पहले जितना बार फेल कर रहा है उसकी संख्या का एक्सपेक्टेशन निकालना है, जितना बार फेल हो रहा है उसका नंबर का एक्सपेक्टेशन निकालना है इन एन इनफाइनाइट सीरीज। एक इनफाइनाइट सीरीज इस तरीके से चलेगा ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, फर्स्ट बार में क्या रिजल्ट आया उससे दूसरे को मतलब नहीं है। फर्स्ट बार में अगर टेल आ रहा है तो दूसरी बार में टेल नहीं आने की संभावना कम या ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है और विथ कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो देखो सवाल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, नंबर ऑफ फेल्योर्स, फर्स्ट सक्सेस के पहले जितना बार फेल किया है। तो हम लोग उसको x से डिनोट कर रहे हैं, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ फेल्योर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस के पहले जितना बार भी वो फेल कर रहा है उसकी संख्या को x से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो जाए, तो फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो जाएगा तो नंबर ऑफ फेल्योर्स क्या हो गया, फर्स्ट सक्सेस के पहले 0, यानी एक बार भी वो फेल नहीं हुआ। हो सकता है कि वो पहला बार सक्सेस नहीं हो, दूसरा बार सक्सेस हो, तो दूसरा बार जब सक्सेस होगा तो नंबर ऑफ फेल्योर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सक्सेस होने के जस्ट पहले कितना बार फेल किया, 1। हो सकता है वो दो बार में भी दोनों बार फेल कर जाए, तीसरी बार सक्सेस हो, तो जब तीसरी बार सक्सेस होता है तो नंबर ऑफ फेल्योर क्या हुआ, फर्स्ट सक्सेस के पहले 2, क्योंकि दो बार फेल कर चुका है तब ना तीसरा बार सक्सेस हुआ। हो सकता है वो चौथे बार फोर्थ टाइम्स में सक्सेस हो, तो फोर्थ टाइम्स में सक्सेस होता है तो नंबर ऑफ फेल्योर्स कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा। और मान लेते हैं क्यू जो है, लेट क्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इन ए ट्रायल, किसी ट्रायल में फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यू मान लेते हैं। तो दो ही चीज़ हो सकता है यहाँ पर इस ट्रायल में, इस एक्सपेरिमेंट में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो फेल कर रहा है या वो सक्सेस हो रहा है। तो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है और फेल होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्यू मान लें, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू 1 - p हो गया, इसको हम लोग नंबर 1 करके छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या बता रहे हैं, हम लोग को एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन में रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स बता रहा है नंबर ऑफ फेल्योर्स कब,
जब फर्स्ट सक्सेस हो जाता है उसके पहले जितना बार फेल करता है उसकी संख्या को ये डिनोट कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3 सब निकाल लिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है जिसको P1 से डिनोट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है जिसको P2 से डिनोट कर सकते हैं, P3 से डिनोट कर सकते हैं, सभी का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और इस प्रोबेबिलिटी को इसके x के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। करना क्या है, x को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, Px से। Px का जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग स्मॉल p ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, ये x इक्वल टू x का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x के वैल्यू को Px से और उसको हम लोग सम कर देंगे तो ये एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। तो x का तो वैल्यू हम लोग को पता है, अब उसके करिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हम लोग पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर वही लिखे हुए हैं कि p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, स्मॉल x आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, p ऑफ स्मॉल x से डिनोट कर रहे हैं, इस फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये किसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है, एक्स फेल होने का, एक्स टाइम फेल होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कब, फर्स्ट सक्सेस के पहले। तो ये बता रहा है एक्स फेल्योर्स प्रीसीड द फर्स्ट सक्सेस, पहले सक्सेस के पहले एक्स बार फेल हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है। जैसे तुम सपोज करो अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हो और हेड आने को तुम सक्सेस मानो और टेल अगर आ जाता है तो फेल्योर हो जाएगा। तो मान लो चौथे बार में तुम सक्सेस हुआ है, चौथे बार में सक्सेस हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि तीन बार फेल हुआ है यानी तीन बार टेल आया है और चौथे बार में हेड आया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तीन बार फर्स्ट टाइम भी टेल आया है, सेकेंड टाइम भी टेल आया है, थर्ड टाइम भी टेल आया है और फोर्थ टाइम में हेड आया है, तो कैसे इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फर्स्ट टाइम का जो प्रोबेबिलिटी होगा, सेकेंड टाइम का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ये सभी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में टेल आया है तो टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, सेकेंड टाइम में भी टेल आया 1/2, थर्ड में भी वो टेल आया 1/2 और चौथे में क्या आया है, हेड आया। तो जो फेल होने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 times, जितना बार फेल किया उतना बार मल्टीप्लाई हुआ है और लास्ट में जो है वो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुआ है। तो मान लो यहाँ पर ये निकाल रहे हैं हम लोग पी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, मतलब एक्स बार फेल हुआ है फर्स्ट सक्सेस के पहले उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो फेल होने के प्रोबेबिलिटी को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स बार फेल हो चुका है और उसके बाद फिर एक और इवेंट हुआ है, एक बार और ट्रायल किया उसके बाद वो सक्सेस हुआ है, तो एक्स टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फेल होने का प्रोबेबिलिटी को, यानी फेल होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्यू माने हैं, तो क्यू मल्टीप्लाई करेंगे अप टू एक्स टाइम्स, यानी कि एक्स फैक्टर तक होगा ये, और फिर सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देख रहे हो यहाँ पर कि तीन बार वो फेल हुआ था, तीन बार टेल आया था, चौथे बार में हेड आया था, तो तीन बार टेल होने का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया और चौथे बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया। तो इसीलिए फर्स्ट सक्सेस के पहले वो एक्स बार फेल किया है तो एक्स बार हम लोग क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्यू को एक्स टाइम हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू टू द पावर एक्स हो गया और यहाँ पर है पी। तो ये क्या निकल गया, ये निकल चुका है हम लोग का पी ऑफ एक्स निकल चुका है। अब हम लोग का करना क्या है, जहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, e ऑफ x, x का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इसके लिए तरीका होता है x को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम जो है वो रन करता है कहाँ पर, x पर। तो अब x का जो भी वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पर अभी फिलहाल यही रहने देते हैं और x को भी रहने देते हैं और p ऑफ x निकाल के रखे हुए p ऑफ x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p ऑफ x का वैल्यू निकला हुआ है q टू द पावर x इन टू p, तो इसका वैल्यू हो गया q टू द पावर एक्स इंटू पी। अब ऐसा करते हैं पी इंटू क्यू को हम लोग बाहर करते हैं समेशन से, क्यू और पी दोनों को, एक क्यू निकाल रहे हैं क्यू टू द पावर एक्स, यहाँ से एक क्यू हम लोग बाहर कर रहे हैं समेशन से, तो अंदर क्या बच जाएगा, पी तो बाहर हो गया, यहाँ पर बच रहा है एक्स और क्यू टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एक क्यू को हम लोग बाहर किए हैं तो एक क्यू टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स का सारा वैल्यू पुट करके और सम कर देते हैं, तो एक्स का सबसे पहला वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू जो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग सबसे पहले जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा तो उसको नहीं लिखते हैं। अब वन पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वन और q टू द पावर जीरो हो जाएगा जिसका वैल्यू भी वन। फिर टू पुट करते हैं तो टू इंटू क्यू टू द पावर टू माइनस वन, मतलब वन हो जाएगा।
फिर 3 पुट करते हैं, 3 पुट कर रहे हैं x की जगह, तो x का वैल्यू 3 और q टू द पावर 2। इसी तरीके से 4 पुट करने पर x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 4 पुट करने पर 4 इंटू q टू द पावर 3, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये एक इन्फाइनाइट सीरीज हो गया, इसको हम लोग नंबर 3 कर लेते हैं। अब इस सीरीज का सम हम लोग निकालेंगे, तो ये सीरीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिक भी है, एपी में भी है, और उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई है वो जीपी में भी है। तो ऐसे सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, ऐसे सीरीज का सम निकालने के लिए हम लोग इस सीरीज का सम को कैपिटल एस मान लेते हैं, 1 + 2q + 3q² + 4q⁴, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। तो इस सम को हम लोग एस मान लिए, और ये जो जीपी में है जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीपी है 1q² q⁴, ये जो सेकेंड फैक्टर जो है वो जीपी में है और फर्स्ट फैक्टर एपी में है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, ये एपी में है और सेकेंड फैक्टर जीपी में है। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो है, क्या कॉमन रेशियो है, क्यू है, क्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज को। तो क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और क्यू से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लगते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2q² यहाँ लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी लिखें, ये इन्फाइनाइट सीरीज तक सम करना है। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3q⁴, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा आगे चला जाएगा, आगे वाला मल्टीप्लाई होगा उसके आगे चला जाएगा। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से s कॉमन ले लेते हैं, s कॉमन लेंगे तो 1 माइनस q हो गया, और यहाँ पर तुम देखो 1 में कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट करना, 1 हो जाएगा, और 2q में q को सब्ट्रैक्ट करना है q, 3q² में 2q² को सब्ट्रैक्ट करेंगे q², यहाँ पर 4q⁴ में 3q³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q⁴, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब तुम देखोगे ये इन्फाइनाइट जीपी हो गया, तो इन्फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, तो इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होता है, ये फॉर्मूला है इन्फाइनाइट जीपी का। तो a की जगह है 1, फर्स्ट टर्म 1 है, और डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो है q, ये उधर डिवाइड कर देते हैं, तो s का वैल्यू आ गया 1 / 1 - q⁴। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, इस सीरीज के सम का निकल गया, इस इन्फाइनाइट सीरीज का सम का वैल्यू निकल गया। अब ये यहाँ पर हम लोग 3 में पुट कर देते हैं, तो 3 में पुट करने से हम लोग का एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन कितना आ रहा है, जरा देखो, e ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इंटू क्यू, और इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है, 1 / 1 - q⁴। अब यहाँ पर p इंटू क्यू रहने देते हैं, और 1 माइनस क्यू क्या है, यहाँ से पुट कर सकते हैं, 1 माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे देखो p प्लस q इक्वल टू 1 था ना, तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं p का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू की जगह हम लोग p पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस क्यू की जगह p, तो p² हो जाएगा, और ये p से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, q डिवाइडेड बाई p, यही आंसर लिख सकते हो, या तो फिर ऐसा कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में p लिखा हुआ है, q नहीं लिखा हुआ, q हम लोग को माना हुआ चीज़ है, तो q के जगह फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस p डिवाइडेड बाई p, और ये दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई p माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि x का एक्सपेक्टेशन ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में वेरियंस ऑफ रेंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि वेरियंस ऑफ रेंडम वेरिएबल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।